तो फाइनली दोस्तों वीवो ने वीवो V19 स्मार्टफोन को ग्लोबली लॉन्च कर दिया है। गाइस ये स्मार्टफोन डुअल पंच होल सुपर एमोलेड डिस्प्ले और क्वाड रियर कैमरे के सेटअप के साथ लॉन्च किया गया है और जिसके प्राइस भी हमें 25,000 रुपए के आसपास देखने को मिलते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वीवो V19 स्मार्टफोन के बारे में। हालांकि दोस्तों ये स्मार्टफोन भी मार्च के लास्ट वीक में इंडिया की मार्केट में लॉन्च किया जाना था, बट अनफॉर्चुनेटली ये स्मार्टफोन COVID-19 के चलते इसकी डेट को पोस्टपोन कर दिया गया था। बट ये स्मार्टफोन हमें बहुत ही जल्दी इंडिया की मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वीवो V19 स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन, बताऊंगा कि ये स्मार्टफोन इंडिया की मार्केट में किस प्राइस में लॉन्च हो सकता है। तो गाइस सबसे पहले तो हम बात करते हैं मोबाइल फोन की डिस्प्ले से, यानी कि वीवो V19 स्मार्टफोन को 6.44 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया गया है, जहां हमें राइट कॉर्नर पर डुअल पंच होल डिस्प्ले भी देखने को मिलती है। यानी कि ये स्मार्टफोन डुअल पंच होल डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया गया है, जहां हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी दी गई है। ओवरऑल ये स्मार्टफोन डिस्प्ले के मामले में एक बढ़िया स्मार्टफोन है, क्योंकि ये स्मार्टफोन सुपर एमोलेड पैनल के साथ लॉन्च किया गया है और आप सभी को पता होगा कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले कैसी होती है। बात करते हैं मोबाइल फोन के रियर पैनल की, तो ये स्मार्टफोन क्वाड कैमरे के सेटअप के साथ लॉन्च किया गया है, यानी कि L टाइप में हमें क्वाड कैमरे का सेटअप दिया गया है। और गाइस ये स्मार्टफोन एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है, क्योंकि मोबाइल फोन पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, तो ऐसे में ये स्मार्टफोन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है। बात करते हैं मोबाइल फोन के प्रोसेसर की, तो अब की बार वीवो ने प्रोसेसर को लेकर इंप्रूवमेंट किया है, यानी कि जो वीवो V19 स्मार्टफोन है, ये स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 712 के SoC के साथ लॉन्च किया गया है, जहां हमें 2.3 GHz ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलता है। और ये स्मार्टफोन हमें 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज और 8GB रैम प्लस 256GB रैम वेरिएंट के साथ देखने को मिलता है और माइक्रो SD कार्ड के एक डेडिकेटेड स्लॉट भी दिया गया है। नो डाउट दोस्तों ये स्मार्टफोन डिस्प्ले और प्रोसेसर के मामले में एक बढ़िया स्मार्टफोन होगा, जिससे आप PUBG जैसे हाई गेम भी बड़ी आसानी से इस मोबाइल फोन पर खेल सकते हो। बात करते हैं मोबाइल फोन के कैमरे की, यानी कि ये स्मार्टफोन क्वाड कैमरे के सेटअप के साथ लॉन्च किया गया है। इसका प्राइमरी कैमरा हमें 48 मेगापिक्सल का मिलता है, सेकेंडरी कैमरा है 8 मेगापिक्सल का जो वाइड एंगल सेंसर है, थर्ड और फोर्थ सेंसर हमें 2-2 मेगापिक्सल के मिलते हैं, जहां हमें मैक्रो सेंसर भी दिया गया है और डेप्थ सेंसर भी दिया गया है। बात करते हैं मोबाइल फोन के सेल्फी कैमरे की, यानी कि सेल्फी के लिए हमें मोबाइल फोन पर 2 कैमरे दिए गए हैं, जिसके प्लेसमेंट हमें डुअल पंच होल डिस्प्ले के अंदर मिलती है। प्राइमरी कैमरा 32 मेगापिक्सल का है और सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का जो अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर है, यानी कि वीवो V19 स्मार्टफोन से आप लोग वाइड एंगल में भी सेल्फी कैप्चर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मोबाइल फोन कैमरे के मामले में एक बढ़िया स्मार्टफोन रहने वाला है। बात करें मोबाइल फोन की बैटरी की, तो ये स्मार्टफोन 4500 mAh की बैटरी के साथ लॉन्च किया गया है, जहां हमें टाइप सी पोर्ट और 33 वाट की फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया है। यानी गाइस मोबाइल फोन के बॉक्स के अंदर ही हमें 33 वाट का फास्ट अडॉप्टर देखने को मिल जाएगा। ये स्मार्टफोन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक के साथ आता है, जहां हमें 3.5 mm का ऑडियो आउटपुट जैक दिया गया है, डुअल 4G वोल्टी देखने को मिलता है, सभी तरह के बेसिक सेंसर्स भी दिए गए हैं। OS की बात की जाए तो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 मिलता है। UI की बात करें तो ये स्मार्टफोन फ्रंट टच 11 के साथ हमें देखने को मिलता है, जो वीवो की खुद की कस्टम UI है। मेरे हिसाब से ये स्मार्टफोन एक बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च किया गया है। अब सवाल उठता है कि क्या ये स्मार्टफोन हमें 25,000 रुपए से कम प्राइस में देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन ग्लोबली दोस्तों 25,000 रुपए के आसपास लॉन्च किया गया है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि इंडिया के मार्केट में भी ये स्मार्टफोन 25,000 रुपए के आसपास लॉन्च हो सकता है। अब बात करते हैं कि ये स्मार्टफोन कब इंडिया के मार्केट में लॉन्च होगा, तो ऐसे में गाइस ये स्मार्टफोन ऑलरेडी इंडिया के मार्केट में लॉन्च हो जाता है अगर इसके लॉन्च डेट को पोस्टपोन नहीं किया जाता, क्योंकि मार्च के लास्ट वीक में इसकी कंफर्म लॉन्च डेट सामने आ गई थी और मार्च के लास्ट वीक में स्मार्टफोन 100% इंडिया की मार्केट में लॉन्च किया जाता, बट COVID-19 के चलते मोबाइल फोन की लॉन्च डेट को पोस्टपोन कर दिया गया था। तो मुझे लगता है कि ये स्मार्टफोन जब लॉकडाउन हट जाएगा तो उसके तुरंत बाद ये स्मार्टफोन हमें भारतीय बाजार में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस मुझे पूरी पूरी आशा है कि आपकी वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को जरूर दबाए और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं क्या आप वीवो V19 स्मार्टफोन के लॉन्च होने का वेट कर रहे हो, क्या इस मोबाइल फोन को कंसीडर करना पसंद करोगे या नहीं, तो मुझे अपना कीमती कमेंट जरूर दीजिए। तो चलिए गाइस अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।